दोस्तों, अगर आप भी सहारा में अपना पैसा जमा करते थे और अभी तक आपको उसका पैसा नहीं मिला है और आपने इसके लिए लंबे समय से इंतजार भी किया है, तो आपको ये पैसा कैसे लेना है, इसका आवेदन फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहले से ये प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस योजना में आवेदन करने से छूट गए हैं जिनको सहारा का पैसा जो है मिल पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो एकदम नए तरीके से है जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिससे आप भी सहारा के रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सहारा आवेदन करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। आप ध्यान से इस वेबसाइट को देख लीजिए और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर आते हैं तो देखिए, जब सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, लास्ट के 4 अंक। यहाँ पर अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसका सत्यापन कराना है और सत्यापन कराने के बाद आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्ट लॉगिन नहीं होता है तो देखिए, आपको फिर से यहाँ आना है और डिपॉजिटर लॉगिन पे करना है क्लिक, और फिर यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है, लास्ट के 4 अंक, मोबाइल नंबर और ओटीपी पे क्लिक करना है कैप्चा भर के, और ओटीपी लेके दोबारा लॉगिन करा लेना है। इसके बाद देखिए, आपके सामने इस प्रकार से नियम और शर्तों वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको चकमक लगा देना है और एग्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, एक्सेप्ट हो गई टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद देखिए, आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और यहाँ पर आपको उसे वेरीफाई कराना है। अब देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी खुल जाएगी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी भरनी है। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, वैसे भर दीजिए, अच्छा रहता है, और सेव ईमेल पे क्लिक करिएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर आधार सीडिंग जो बैंक है आपके, अगर फैच होके नहीं आती है तो यहाँ पर गेट बैंक नेम पे क्लिक करके बैंक को फैच कर लीजिए। इसके बाद देखिए, ये बैंक नाम अगर फैच नहीं होता है तो एक बार आपको प्रेस पे क्लिक करके फिर से नेक्स्ट करना है तो आपका ये बैंक आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको चले आना है इस वेबसाइट पे। यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर लिखा है आपको कंज्यूमर, आपको इस पे आ जाना है और देखिए यहाँ पर लिखा है भारत आधार सीडिंग इनेबलर, आपको इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डालना है अपना आधार नंबर और यहाँ पर डालना है आपको ये कैप्चा कोड और चेक स्टेटस पे करना है क्लिक। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा एक ओटीपी, और ओटीपी जब वेरीफाई कराएंगे तो आपका जो डीबीटी है वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आके फिर से आपको प्रीवियस करना है और फिर से नेक्स्ट करना है तो आपका ये बैंक जो है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो देखिए, अब आपको जानकारी भरनी है अपनी पॉलिसी की। इसके बाद देखिए, यहाँ पर चुनना है कि जो आप सोसाइटी का नाम क्या है, जहाँ से आपकी FD या RD जो भी इसमें डिपॉजिट किया गया है। इससे यहाँ पर देखिए, हमारा है सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी। अगर आपका कोई दूसरा है तो आपको वो यहाँ पर चुनना होगा। ये जानकारी आपको अपनी जो रसीद होती है उस पर लिखी मिलेगी, और या फिर जो पासबुक आपको दी जाती है उसके ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, नीचे लिखा है स्कीम नेम क्या था, तो अगर आपको स्कीम का नाम पता है तो यहाँ पर चुनना है, और नहीं पता तो देखिए ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर अपना मेंबरशिप नंबर डालना है और उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है। तो ये दोनों आपको रसीद या पासबुक के ऊपर देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप ये चीज डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए, सर्टिफिकेट नंबर अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, स्टार मार्क नहीं है। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग डेट क्या है, ये भी आपको पासबुक पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, आपने कितना पैसा जमा किया है अभी तक कंपनी को, तो वही आपको डालना है। मान लीजिए आपकी यहाँ पर RD है और आप दैनिक रुपये जमा करते हैं, तो अभी तक मान लो आपने कंपनी को 50,000 ही जमा किया है, जबकि आपका जो है यहाँ पर 6 साल बाद, या सॉरी 5 साल बाद आपका 70,000 रुपये हो जाएगा। तो अभी आपका जितना जमा हुआ है केवल वही आपको लिखना है, वो आपके पासबुक में लिखा होता है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आया कि क्या आपको कंपनी से कोई पैसा मिला है, आपने कोई लिया हुआ है तो डाल दीजिए यस, नहीं लिया तो छोड़ दीजिए। अगर आपने कोई कंपनी से लोन लिया है इस पॉलिसी के ऊपर तो वो डाल दीजिए, नहीं लिया तो छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपलोड करना है डिपॉजिट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर करेंगे क्लिक और आपको जो है अपना पासबुक यहाँ पर करना है अपलोड, और पासबुक के साथ अगर आपकी एक रसीद भी है तो उसे भी जोड़ लीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर जोड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप जोड़ लीजिए और यहाँ पर ऐड क्लेम के ऊपर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे ही आप ऐड क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके जो क्लेम है वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 क्लेम जोड़ लिए हैं, तो आपको इसी प्रकार से अपने क्लेम को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद फिर आपको यहाँ पर करना है नेक्स्ट। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा है जनरेट क्लेम, तो यहाँ पर जनरेट क्लेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जब आप क्लेम जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस प्रकार से आपके लिए एक फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा और यहाँ पर आपको इस फॉर्म को जो है डाउनलोड कर लेना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपनी फोटो चिपकाना है, तो यहाँ पर फोटो एक चिपका दीजिए और फोटो के ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आपको नीचे चले आना है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको अपने स्थान का नाम डालना है और यहाँ पर आपको अपने फिर से हस्ताक्षर करने हैं, और इसे हस्ताक्षर करने के बाद इसका एक जो है आपको इसको फिर से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद फिर से आपको यहाँ आना है और यहाँ पर आपको अपलोड सेक्शन में इस फॉर्म को अपलोड करना होगा। तो जैसे आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपने इसके लिए भर लिया है, इस पर अपने सिग्नेचर कर दिए हैं, ठीक है, और अपनी फोटो चिपका के उस पर क्रॉस सिग्नेचर कर दिए हैं, तो अब आपको इसे यहाँ अपलोड करना होगा। ध्यान रखिए इसका जो साइज है वो 200 KB होना चाहिए, और ये चाहे तो आप JPG, JPEG, PDF किसी में आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने जो फॉर्म है यहाँ पर वो अपलोड कर दिया है, उसके बाद हमें यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे देखिए इस प्रकार से लिखा आ गया आपका नाम, और यहाँ पर लिखा है देखिए एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, और यहाँ पर देखिए क्लेम डेट दी गई है और क्लेम एनक्लोजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे संभाल कर रख लेना है, तो इसकी फोटो ले लीजिए अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों अपने स्क्रीन शॉट जो है लेके रख लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना जो है सहारा से रिफंड लेने के लिए आवेदन घर बैठे कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं वेट करना है यहाँ पर 45 दिन का, उसके बाद जो भी इसकी प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर दी जाएगी और जो पैसा है वो आपके आधार लिंक से जो भी खाता लिंक है उसमें आपके सेटल कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।